Good morning friends, I am Ananta Datta from Bharti Group of Colleges. हम कल पढ़ रहे थे यूनिट 1 ओवरव्यू ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिसीजन मेकिंग. ये DSS सब्जेक्ट का फर्स्ट यूनिट है, B8SEM CSE. हमने कल देखा था कि DSS होता क्या है, हम कैसे डिसीजन ले सकते हैं. हम आज उसके आगे देखते हैं कि कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डिसीजन सपोर्ट सिस्टम, मीन्स यदि डिसीजन सपोर्ट सिस्टम के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स वो क्या है. DSS आर डिजाइंड स्पेसिफिकली टू फैसिलेट डिसीजन प्रोसेस, मीन्स हमको डिसीजन के लिए जो भी प्रोसेस रहता है ये स्पेसिफिकली उसी के लिए डिजाइन किया हुआ है. DSS शुड सपोर्ट रेटर देन ऑटोमेट डिसीजन मेकिंग, मीन्स यदि हमको ऑटोमेट डिसीजन कुछ लेना है तो उस चीज के लिए भी DSS हमको सपोर्ट करता है. DSS शुड बी एबल टू रिस्पॉन्स क्विकली टू द चेंजिंग नीड्स ऑफ द डिसीजन मेकर्स, मीन्स जो भी डिसीजन हमको लेना रहता है यदि उसमें हमको कुछ रिस्पॉन्ड देना है क्विकली या कुछ हमको उसमें चेंज करना है तो उस चीज के लिए भी DSS अवेलेबल रहता है. अब हम देखते हैं कि सम अदर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ DSS, मीन्स DSS का कुछ और अदर कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या है. फैसिलेशन, DSS फैसिलेट्स एंड सपोर्ट्स स्पेसिफिक डिसीजन मेकिंग एक्टिविटीज और डिसीजन प्रोसेस, मीन्स यदि हमको कुछ स्पेसिफिक किसी स्पेसिफिक टॉपिक में डिसीजन लेना है या किसी कोई डिसीजन है जिसको हमको प्रोसेस करना है तो उस चीज के लिए भी DSS यूज किया जाता है. इंटरैक्शन मीन्स DSS के साथ यदि हम किसी और, मीन्स जैसे कि हम एक ऑफिस में हैं, हमको स्टाफ के साथ इंटरैक्ट होना है किसी भी डिसीजन में या किसी भी ऑपरेशन को परफॉर्म करने के लिए किसी स्टाफ या किसी यूजर के साथ इंटरैक्ट होना है तो उस चीज की भी स्पेसिफाई DSS हमको देता है. एंड कैली डिसीजन सपोर्ट सिस्टम कैन सपोर्ट डिसीजन मेकर एट एनी लेवल इन एन ऑर्गेनाइजेशन, दिस आर नॉट इंटेंडेड टू रिप्लेस डिसीजन मेकर्स, मीन्स किसी भी लेवल में, शॉर्ट लेवल से लेकर लार्ज लेवल तक के में हमको डिसीजन सपोर्ट सिस्टम किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में डिसीजन लेने के लिए सपोर्ट करता है. फिर आता है रिपीट यूज, DSS आर इंटेंडेड फॉर रिपीटेड यूज, आर स्पेसिफिक DSS मे बी यूज रूटीनली और यूज एज नीडेड फॉर एन एडॉक डिसीजन सपोर्ट सिस्टम, मीन्स डिसीजन सपोर्ट सिस्टम को हम जितने बार भी यूज करना चाहे एक ऑफिस में या जहां पे भी हम कर सकते हैं. डिसीजन सपोर्ट सिस्टम को हम रूटीनली डेली यूज में भी कर सकते हैं जब तक कि हमको डिसीजन लेना है या डिसीजन सपोर्ट के कोई भी टास्क है तो हम उस चीज के लिए डिसीजन सपोर्ट सिस्टम को रिपीटली यूज कर सकते हैं. देन आफ्टर वी सी द पॉइंट टास्क ओरिएंटेड, टास्क ओरिएंटेड क्या होता है, किसी भी जैसे एक या एक से ज्यादा टास्क है जिसमें हमको डिसीजन लेना है तो उस चीज के लिए भी हमको डिसीजन सपोर्ट सिस्टम फैसिलिटी प्रोवाइड करता है. डिसीजन सपोर्ट सिस्टम प्रोवाइड स्पेसिफिक कैपेबिलिटी दैट सपोर्ट वन और मोर टास्क रिलेटेड टू डिसीजन मेकिंग इंक्लूडिंग इंटेलिजेंस एंड डेटा एनालिसिस, आइडेंटिफिकेशन एंड डिजाइन ऑफ अल्टरनेट्स, चॉइस अमंग अल्टरनेटिव्स एंड डिसीजन इम्प्लीमेंटेशन, मीन्स हमको जितने में भी डिसीजन लेना है जहां पे भी कभी भी इंटेलिजेंस हो गया या डेटा एनालिसिस हो गया या डिजाइन ऑफ अल्टरनेटिव्स या कुछ अल्टरनेटिव्स से 3-4 डिसीजन है उनमें से कोई एक डिसीजन हमको लेना है तो उस चीज के लिए भी हमको डिसीजन सपोर्ट सिस्टम फैसिलिटी प्रोवाइड करता है. देन वी सी डिसीजन मे बी इंडिपेंडेंट सिस्टम दैट कलेक्ट रिपीटेड डेटा फ्रॉम अदर इंफॉर्मेशन सिस्टम, मीन्स कई बार ऐसा होता है कि डिसीजन सपोर्ट सिस्टम 2-3 जगह से एक ही डेटा या इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर लेता है जिससे कि जो भी सब सिस्टम है या फिर डेटा स्टोरेज है उसकी कैपेसिटी या स्टोरेज सिस्टम लार्ज हो जाता है जो कि मोर इंटीग्रेटेड इंफॉर्मेशन सिस्टम रहता है. मीन्स यदि हम 2-3 जगह से डेटा कलेक्ट कर लेते हैं तो फिर हम इजी वेटेज डेटा में डिसीजन ले सकते हैं. फिर डिसीजन इम्पैक्ट,
Decision support systems are intended to improve the accuracy, timeliness, quality, and overall effectiveness of a specific decision or a set of related decision. Means overall effectiveness, जितना भी हमको accuracy से decision लेना है या जो भी क्वालिटी है डिसीजन की या जितने भी टाइम पे डिसीजन लेना है, सारी चीज के लिए DSS हमको फैसिलिटी प्रोवाइड करता है. थैंक यू.